न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले कुंदन गैंग के 4 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी क्राइम व सीओ क्राइम ने किया खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खजनी तहसील में आयोजित हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस। डीएम ने जनता की समस्याओं को गुणवत्ता पूर्वक संपन्न कराने के दिए निर्देश। चौरी चौरा में हुई लूट का पुलिस ने मात्र 12 घंटे में किया खुलासा। दुकान के मुनीब ने ही रची थी लूट की साजिश। बरामद हुई लूट की 100% रकम। घटना का एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। एडीएम सिटी के अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। जनता की समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। 25,000 के 2 इनामिया शातिर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। सीओ गोरखनाथ ने किया खुलासा। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई वृक्षारोपण एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक। जनपद में निर्धारित किए गए पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बढ़ते निजीकरण की व्यवस्था को समाप्त करने सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन क्षेत्रीय इकाई के सदस्यों ने दिया धरना। किया प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर दी चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाथ चित्रावत छात्रावास के छात्रवासियों ने बिजली पानी शौचालय की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन, निराकरण की मांग। कश्मीर में धारा 370 हटाने का जश्न मंगलवार को दूसरे दिन भी रहा जारी। शिव राष्ट्रीय सेना के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लिए पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। जेपी सिंघल की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके परिजनों ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी में दान स्वरूप दिया स्ट्रेचर। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा इससे मरीजों को मिलेगी सहायता। पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। मणिनाथ गुप्ता बने महानगर अध्यक्ष। कहा संगठन की मजबूती के लिए चलेगा सदस्यता अभियान। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया सावन महोत्सव। छात्राओं ने लोक संस्कृति के संरक्षण का लिया संकल्प। श्री चावो वीरो दादी सेवा समिति गोरखपुर द्वारा मंगल पाठ भजन कीर्तन का कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दादी जी की कथा पर संगीतमय शैली में किया गया गायन। और जायसवाल महिला विकास समिति ने मनाया आया सावन झूम के का कार्यक्रम। गीत संगीत के साथ तीज सौंदर्य प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन।